आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ख़त्म हुआ था। आज का हमारा शॉर्ट स्टोरी द होम कमिंग, जो कि अरुण जोशी के द्वारा लिखा गया है, ये शॉर्ट स्टोरी उसी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के ऊपर लिखी गई है। ये स्टोरी एक आर्मी, जो कि इस स्टोरी का एकमात्र कैरेक्टर है, उसके अनुभवों को बताता है। इस स्टोरी में देखने या लिखने वाला कुछ नहीं है, इसको ध्यान से सुने, स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक आर्मी की, जिसकी नाम की चर्चा इसमें नहीं की गई है, उसके घर वापसी से। युद्ध समाप्त हो चुकी है और वह अपने घर को लौट चुका है। वो रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरता है, उसे उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी बहन और उसकी फियांसे, जो कि मंगेतर होती हैं, वो उसको नज़र आती हैं। सब लोग खुशी से काफ़ी रो पड़ते हैं और मंगेतर जो होती है वो बोलती हैं कि मैं तो इंतज़ार में मर रही थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह का चर्चा होता है, जो इन लोगों ने टीवी या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़े होते हैं। स्टेशन से घर का रास्ता 20 मिनट का होता है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अब घर पे खाना वगैरह हो रहा होता है, उनकी फियांसे कहती हैं कि घर में रहे रहे उनका फैट बढ़ गया है, इसलिए उन्हें डाइट करना चाहिए। इसी पे उस आर्मी मैन जो होती है, उनकी माँ कहती हैं कि डाइटिंग करने से एनीमिया हो जाता है और इसमें चाइल्ड बियरिंग में भी प्रॉब्लम आता है। इसी पे आर्मी जो रहते हैं उनको एक अपनी अनुभव याद आती है कि जिस वॉर से वो आ रहे थे, वहाँ पे वहाँ का सिचुएशन क्या था, वहाँ पे लोग खाना के लिए कैसे तरस रहे थे। वहाँ का सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जो रिलीफ कैंप लगाया गया था और उसमें से जो खाना मिल रहा था, उसको वो लोग मात्र 2 मिनट में निकल जा रहे थे। ऐसा सिचुएशन था उन लोगों का भूख से, और फिर सारा दिन इंतज़ार करते रहते थे खाना के लिए, बस उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था। और सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जो बूढ़े लोग थे, उनको खाना के बगैर बहुत सारे उसमें से मर भी गए थे। ये सारा ख्याल उस आर्मी मैन को याद आता है अपने फियांसे के डाइटिंग का बात सुन के। ये आर्मी मैन जो रहता है वो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पापा बिजनेस मैन होते हैं। और आर्मी बनने से पहले ये बस फ्यूनरल में ही एक दो बॉडी देखा रहता है, आदमी का मरा हुआ बॉडी देखे हुए रहता है। लेकिन जब ये वॉर में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा इसको मरा हुआ बॉडीज देखने को मिलता है। कुछ बॉडीज नदी में ऐसे ही तैर रहे होते हैं, कुछ मैदान में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, एक हॉकी फील्ड्स में कुछ लड़के का बॉडी का पूरा सर के बस वो कंकाल वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। इतना भयानक सिचुएशन रहता है वहाँ के वॉर के दौरान। ये सब बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रहा होता है जब वो घर आते हैं, और बस यही सब सोचते रहते हैं। वो ये सब किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके फादर जो कि बिजनेसमैन है, उनके पास टाइम नहीं है, वो ये सब नहीं समझेंगे। उस आर्मी मैन की एक बहन थी जो कि अर्ली लाइफ में उन्हें समझती थी, लेकिन उस बहन के अलावा कोई उनके पास भाई नहीं है। वो बहन है बस, वो अब पूरा बदल चुकी है, अब बहुत मतलब मॉडर्न टाइप की ड्रेस पहनने लगी है, गॉगल्स लगाने लगी है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो उनकी बहन भी ये सब नहीं समझेगी। फिर एक दिन उनकी बहन उन्हें एक पार्टी में ले जाती है, जो कि सारे बिजनेस में के ही परिवार के लोग सब आए हुए रहते हैं। वहाँ पे वे सारे लोग होते हैं जिनको आर्मी मैन जो रहते हैं काफ़ी पहले देखे रहते हैं, काफ़ी छोटे एज में, लेकिन अभी वो सारे बड़े हो चुके हैं। किसी के लंबे लंबे बाल हैं तो किसी के एकदम पूरा बियर्ड आ चुकी है। उसी में एक लड़का होता है जो कि उनके साथ लिटरेचर की क्लास में पढ़ने जाया करता था, वो अब एक पोएट बन चुका है। उस पार्टी में जो भी वॉर के अबाउट में बात करता है, सब वही सब बोलता है जो कि टीवी या फिर न्यूज़पेपर्स में वो लोग देखते हैं, जिसको कि आर्मी मैन बताता है कि ये सब पूरा सच नहीं है और हकीकत इससे काफ़ी अलग है। पार्टी में सब कोई कोशिश कर रहा होता है कि भारी से भारी वर्ड जो कि वॉर से रिलेटेड है उस वो सबको यूज करें, लेकिन असल में उन सबको ये सब का मीनिंग भी नहीं पता, ये सब का यूज कहाँ होता है ये सब भी नहीं पता होता है, ऐसा आर्मी मैन बताते हैं।
वो वॉर का सीन बताते हैं और कहते हैं कि एक जगह जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे सिचुएशन ये होता है कि वहाँ पे जो झोपड़ी सब था वो हर झोपड़ी के आगे एक बच्चे को गोली में लटका के वहाँ पे गाड़ दिया गया था। और वहीं पे एक स्कूल था जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी, और आर्मी मैन जो हैं वो कहते हैं कि उस स्थान को एज अ वेश्या स्थल के रूप में यूज किया गया है उस स्कूल को एक बटालियन के द्वारा, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1000 लोग होंगे। और जो वो पोएट होता है वो अपना कुछ लिखता है, उसी को ये कहते हैं कि अगर किसी को पोएम्स लिखना है तो उसको ये सब जानना चाहिए फिर कुछ लिखना चाहिए। फिर वो एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जब अपोजिट साइड के जो सोल्जर होते हैं वो उन पे बेयोनेट से हमला करता है, और फिर उनका जो एक सूबेदार रहता है वो बेयोनेट अपने अंदर लेके उनका रक्षा करता है, वो उन्हें बचाता है, और सूबेदार वहीं पे मर जाता है। फिर वो आर्मी मैन उनके घर पे जाता है, सूबेदार के घर पे। वो लोग जो हैं सो काफ़ी छोटी छोटी झोपड़ी में रह रहे होते हैं, ये उनको पूरा बात बताती हैं कि उनका डेथ हो गया है। और उनकी वाइफ जो होती है वो सूबेदार की वाइफ, वो भी काफ़ी छोटी होती है, इनके फियोंसे से भी छोटी होती है, और इतनी कम उम्र में उसे दो बच्चे होते हैं, एक 2 साल के और दूसरे 9 मंथ की। फिर उस सूबेदार की माँ जो है सो कुछ हेल्प के लिए इनको बोलती हैं हेल्प करने, तो ये आर्मी उनको अवार्ड के लिए रिकमेंड करती हैं, जिससे कि उनके बच्चों का कॉलेज तक का फीस जो है सो नहीं लगेगा और उनको पेंशन भी मिल जाएगा, इससे उनका लाइफ शायद थोड़ा इजी हो जाए, ऐसा सोच के वो करती हैं। उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि अगर फिर से झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनके जैसा कोई और होगा, कोई और आर्मी होगा जो कहीं ना कहीं लड़ रहा होगा, कोई और सूबेदार होगा जो अपने अंदर बेयोनेट को ले रहा होगा, उनकी वाइफ बच्चे होंगे, ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं उनके आंखों के सामने से जा रही थी। फिर सुबह होता है, सारा चीज़ नॉर्मल हो रहा होता है उनके आसपास, उनकी बहन नई कार के साथ आती है और उनकी माँ उनको शादी के लिए इंसिस्ट कर रही होती है, उनके पिता बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशंस को दिखाया गया है, एक नॉर्मल सिचुएशंस जो आम आदमी जीते हैं और एक वॉर का सीन्स जो कि आर्मी मैन का होता है, और यहीं पे स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी पूरा पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, और इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि वॉर बस बोलना आसान है लेकिन इसमें कितना भयावह सीन होता है, वो सब सीन्स को महसूस किया जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि वॉर किसी के लिए भी सही नहीं है। और ये स्टोरी ये भी बताती है कि आर्मी का लाइफ आम आदमी के जीवन से कितना अलग है, और हम लोग जो टीवी या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं वो सब कितना अलग है रियल सिचुएशंस से। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।